थर्मली आइसोलेटेड वेसल कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई ना वेसल है और 100 ग्राम पानी है उसमें, और कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी है। व्हेन एयर अबव द वाटर इज पम्प्ड आउट, हवा चलाई उसके ऊपर, सम ऑफ द वाटर फ्रीजेस एंड इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें से कुछ पानी जम गया और कुछ इवेपोरेट कर गया। अब वो कह रहे हैं कि इन द एंड आपको बताना है कि मास ऑफ आइस फॉर्म, बताओ कितनी बर्फ जम गई, कितनी आइस जम गई इफ नो वाटर इज लेफ्ट इन द वेसल, और वेसल में कोई पानी नहीं बचा। तो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि सपोज करो आपके पास 100 ग्राम वाटर है, ये पानी है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जमती कैसे है? बर्फ ऐसे जमती है कि आपके पास ठंडा पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, आप उस ठंडे पानी में से हीट निकाल लें वो और ठंडा हो जाएगा। बॉडी में से जब हीट निकाल ली जाएगी तो और ठंडा हो जाएगा, जब वो और ठंडा होगा तो बर्फ जम जाएगा। तो हीट निकालना, टेम्परेचर डाउन होना, हीट को देना, बॉडी का टेम्परेचर अप होना, तो ये रूल चलता है। अब सपोज करो आपके पास 100 ग्राम वाटर है, और ये भी सुना होगा आपने इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जब इवेपोरेशन होती है तो बॉडी ठंडी हो जाती है। जैसे आपको गर्मियों में पसीना आता है, आपकी बॉडी ठंडक फील करती है आफ्टर जब पसीना आता है, या आपको बुखार हो गया, बुखार में आप गोली खाते हो बुखार की, तो बुखार की गोली क्या करती है, आपका टेम्परेचर, आपकी बॉडी में से हीट को बाहर फेंकती है, तो आपको आपकी बॉडी हीट बाहर फेंकेगी, जब हीट बाहर फेंकेगी तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है, ये फिनोमेना है उसका, गोली का। तो इसके अंदर 100 ग्राम वाटर है, इसमें से मान लो एम मास किस में चला गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, एम मास आइस में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना 100 माइनस एम, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इवेपोरेट हो गया, और इसके क्या बन गए, वेपर बन गए, ये उड़ गया, क्योंकि कंटेनर में इन दी एंड कोई पानी बचा ही नहीं, तो ये हवा जो है इसके मॉलिक्यूल उड़ा के ले गई, हवा आई, एयर आई, इसके मॉलिक्यूल को साथ ले गई, यानी कि इसकी हीट ले गई। तो इस आइस इसलिए जमी क्योंकि एम ग्राम पानी की हीट चली गई, ये इसलिए वेपर बना। वेपर बनने में एक और बात खास है, अब वेट नहीं करेंगे कि वेपर बनने में 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब वेपर बनेगा, ना, सर्दियों के अंदर भी कपड़े सूखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस है बाहर, फिर भी कपड़े तो फिर भी सूखते हैं, यानी कि आपका पानी फिर भी वेपर में कन्वर्ट होता है, स्टीम नहीं बनती, स्टीम 100 डिग्री पे बनती है। तो अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो हवा आती है, हवा चलती है, तो हवा चलते ही पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रिमेनिंग दी सेम, उसको इतनी हीट मिल जाती है कि वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर ले, वेपर में कन्वर्ट करे, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर सेम रखना होता है, उसमें राइजिंग टेम्परेचर यही नहीं होता। तो Q इज इक्वल टू ML कैन बी अप्लाइड एट एनी टेम्परेचर, याद रखना, जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही लगेगा, किसी भी टेम्परेचर में लगता है। तो ये इसके लिए, इसको हीट क्या मिली, इसने हीट को क्या कर लिया, गेन कर लिया और ये वेपर बन गया, और इसने हीट को क्या किया, लूज कर लिया, इसने हीट को लूज किया, इसने हीट को गेन किया, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जितनी हीट इसको मिली वो किसने दी, वो इसने दी। तो इसने कितनी हीट दी, इसे पूछ लो कि आइस बनने के लिए कितनी हीट चाहिए थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको कितनी हीट मिली, इसको हीट मिली 100 माइनस एम, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब अमाउंट ऑफ हीट जो इसने दी वो इसको मिली, तो दोनों हीट की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होंगी, सेम, बस फर्क यह है कि एक ने हीट को लूज किया और एक ने हीट को गेन किया। तो आप चेक करें, इसमें यही किया हुआ है कि इसके अंदर एम आइस बन गई, 100 माइनस एम इवेपोरेट हो गया, तो हीट जो 100 माइनस एम जो वेपर बना, तो वेपर बनने के लिए कितनी हीट चाहिए थी, 100 माइनस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और कहां से मिली, ये उस पानी से मिली जो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो आइस में कन्वर्ट होते ही उसमें से हीट निकाल ली गई, तो हीट कितनी निकली, Q इज इक्वल टू ML, लेकिन L किसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बर्फ के लिए, आइस के लिए यूज करते हैं फ्यूजन, और वेपर के लिए क्या यूज करते हैं, वेपराइजेशन। तो दोनों हीट बराबर है, एक ने हीट दी एक ने हीट ली, तो यहां से वैल्यूज पुट कर लेना, लेटेंट हीट की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, M कैन बी कैलकुलेटेड, इतना मास आइस में कन्वर्ट हो गया, ये आंसर है।
तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि हीट लेने और देने का क्या प्रिंसिपल है। इस क्वेश्चन को देखें, वेन 0.15 केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 0.30 केजी ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.15 केजी आइस को लिया और इस आइस के पीस को पानी में डाल दिया और पानी का टेम्परेचर कितना था 50। थोड़ी देर में दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया 6.7। तो आइस ने हीट, आइस क्या है, मेल्ट होगी। आइस का टेम्परेचर कितना है जिसको डाला गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस पहले मेल्ट होगी, जीरो से जीरो पानी बनेगा और फिर उसके बाद आइस का क्या होगा, आइस पिघल के 6.7 डिग्री सेल्सियस अटेन करेगी। लेकिन जो पानी ऑलरेडी 50 पे था वो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6.7 हो जाएगा। तो वो अपनी जो है टेम्परेचर को डाउन करेगा, जब टेम्परेचर को डाउन करेगा तो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हीट देगा, जो गर्म पानी है वो हीट देगा, किसे देगा, आइस को देगा, जिससे कि आइस पिघल जाएगी। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का टेम्परेचर क्या लिया था, जीरो। तो आइस का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 6.7 पिघलने के बाद, और पानी का टेम्परेचर कितना था, 50, और फाइनल टेम्परेचर इसका भी कितना हो गया, 6.7। तो पानी ने हीट को क्या किया, लूज किया। कितना लूज किया, Q is equal to MC delta T यहां जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है, तो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला Q is equal to MC delta T। और अगर बात करते हैं वाटर की, तो यहां पे आइस जो है ये पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, Q is equal to ML लगेगा, फिर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो यहां पर क्या लगेगा, Q is equal to MC delta T। तो ML भी लगेगा, MC delta T भी लगेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो आइस के लिए क्या हुआ, जो आइस है यहां पे आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो Q इज इक्वल टू एम एल आइस के लिए लगेगा पहले, फिर वाटर 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएगा तो एम सी डेल्टा टी वाटर के लिए लगेगा, और जो जिस पानी में आइस गई थी उसका टेम्परेचर 50 से 6.7 हो गया, तो सीधा लगाएंगे एम सी डेल्टा टी, और टेम्परेचर डिफरेंस में बड़े में से छोटे टेम्परेचर को क्या कर देंगे, माइनस। तो रूल समझ में आ रहा है करना क्या है। तो ये हीट वाटर ने दी, ये हीट आइस को मिली, हाई आइस में ML लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले आइस मेल्ट होगी फिर वो पानी बनेगी। क्या रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको जो आइस है उसका मास गिवन है 0.15 केजी, आपको जो वाटर था उसका मास गिवन है 0.30 केजी। आपको इसमें लेटेंट हीट फ्यूजन की निकालनी है, आइस की कितनी है यही निकालनी है। मास ऑफ वाटर आपको आइस क्योंकि 15 केजी है, तो पानी जो पिघल के आएगा वो भी 0.15 केजी का ही होगा। स्पेसिफिक हीट एसआई सिस्टम में पानी की क्या होती है, 4200, मैंने बताया था जूल पर केजी में अगर लेनी हो, याद करना है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है, तो जिसमें आइस गहरी थी उसका मास पता है पानी का। पानी की स्पेसिफिक हीट स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में 4200 गिवन है। डेल्टा टी हमें पता है 50 से 6.7, सॉल्व करके लेटेंट हीट कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है कि हीट लेने और देने का क्या प्रिंसिपल है इसमें, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन को देखना,
Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. वो कह रहे जी आइस को स्टीम बना दो. आइस को स्टीम बनाना है तो हीट हीट क्या करना पड़ेगा, उसको देनी पड़ेगी. तो पहले आइस माइनस 12 डिग्री सेल्सियस से क्या बनेगी, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. फिर आइस क्या बनेगी, करेक्शन कर लो, यहाँ पर क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा. फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी 100 डिग्री सेल्सियस पानी में कन्वर्ट होगा. फिर 100 डिग्री सेल्सियस पानी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में होगा, मेरा काम हो जाएगा. तो मुझे क्या हीट देनी पड़ी, आइस से आइस जाने में क्यूज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है. तो एम सी डेल्टा टी 3 के जी आइस है, स्पेसिफिक हीट आइस की गिवन है 2100 और टेम्परेचर चेंज में बड़े में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करके 12 आएगा. फिर आइस मेल्ट हो गई, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू इज इक्वल टू एम एल, तो मास कितने 3 के जी और लेटेंट हीट आइस की गिवन है, पुट कर लिया. यूनिट्स का ध्यान रखना, सब एस एम में चलना चाहिए, जूल के जी जूल के जी जूल के जी. फिर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएगा, तो एम सी डेल्टा टी वाटर की स्पेसिफिक हीट एस एम कितनी है 4200 जूल पर के जी में. फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्यू इज इक्वल टू एम एल, फिर एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इन्हें ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो मेथड समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक हीट में कैसे काम करना है, इसमें कोई डाउट है इसमें, ठीक.